हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको नेटबीन्स आईडी में अपना एक बूटस्ट्रैप का जो प्रोजेक्ट है कैसे क्रिएट करना है और जो फाइल्स हम लोगों ने इंटरनेट से पिछले वीडियो में डाउनलोड किया था, जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के फाइल था, उसके बाद जेक्वेरी था, पॉपर जेएस था, टूलटिप.js था, उसे आपको अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पर डालना है वो भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पर जो है नेटबीन्स आईडीई का लेटेस्ट वर्जन जो कि वर्जन 11 है वो डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है और इसे कैसे करना है इसका वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले से ही डाल चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले नेटबीन्स आईडीई के आइकॉन पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेटबीन्स आईडीई ओपन होकर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फाइल पर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, कैटेगरीज में से HTML5 JavaScript सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में से आपको HTML5 JS एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हो सकता है अगर आप नेटबीन्स IDE को अभी अभी आपने इंस्टॉल किया, फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे, तो यहाँ पे एक्टिवेट करके कुछ ऑप्शन आएगा, उस केस में आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है, कुछ जो है लाइब्रेरी फाइल्स नेटबीन्स IDE डाउनलोड करेगा, उसके बाद आपके सामने जो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी रखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे BT_Tutorial लिख दिया। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपके इस लोकेशन पे जो है बनेगा। अगर आप चाहे तो ब्राउज बटन पे क्लिक करके इस लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम लोग नो साइट टेम्पलेट ही रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हर चीज से टिक मार्क आपको हटा देना है, फिर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पाएंगे कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो इस समय यहाँ पे नेटबीन्स आईडीई में बन के आ चुका है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ से जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस पर क्लिक करके हम लोग अपना जो वेब ब्राउजर है उसे चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फायरफॉक्स को जो है सेलेक्ट करेंगे। मेरे कंप्यूटर पर फायरफॉक्स वेब ब्राउजर मौजूद है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग अपना इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में ओपन होकर आएगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये साइट रूट फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू पे जाके, और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे एसेट्स रखेंगे, फिर आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ये HTML फाइल यहाँ पर है इसको यहीं पर हम लोग बने रहने देंगे और जो भी इसमें कमेंट लिखा है उसे हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर दीजिए। उसके बाद आपके कंप्यूटर पे हो सकता है नेटबीन्स आईडीई का फॉर्म साइज जो छोटा बन गया है, तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ टूल्स पर जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे, फॉन्ट्स एंड कलर पर जाएंगे, फॉन्ट के आगे जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट साइज चाहिए वो सेलेक्ट करिए, फॉन्ट का कैसा स्टाइल चाहिए सेलेक्ट करिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए सेलेक्ट करिए, ओके पे क्लिक करिए, अप्लाई पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, फॉन्ट साइज जो है आपके कंप्यूटर पे बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इन जो डेस्कटॉप पर जो फोल्डर बनाया था जिसका नाम मैंने लाइब्रेरी रखा था, उसके अंदर जो हम लोगों ने फाइल्स क्रिएट किया जो कि लाइब्रेरी हम लोगों ने npm की मदद से डाउनलोड किया, उस फोल्डर के अंदर हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए फोल्डर मौजूद है, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर मैं चला गया और जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था उसको भी मैंने यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है। सबसे पहले जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का जो कंप्रेस्ड फाइल है इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर में WinRAR पड़ा हुआ होना चाहिए, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करिए, ये फोल्डर आ गया। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको दो फोल्डर दिखाई देगा, एक है CSS, इसके अंदर कुछ CSS फाइल मौजूद है जो कि आपके बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। उसके बाद एक JS करके फोल्डर है जो कि जावास्क्रिप्ट फाइल जिस फोल्डर के अंदर मौजूद है। इन दोनों ही फोल्डर को आपको कॉपी करना है, मैंने यहां से कॉपी किया, नेटबीन्स आईडी में वापस जाइए, एसेट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है, दोनों ही फोल्डर आपके एसेट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और उसके बाद नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे, jQuery वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, डिस्ट के अंदर जाएंगे और यहां से हम लोग jQuery.min वाले फाइल और मैप वाले फाइल को यहां से कॉपी करेंगे और नेटबीन्स आईडी में जो JS वाला जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर से वापस जाना है लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर, बैक करिए, बैक करना है, popper.js में जाइए, डिस्ट में जाइए, UMD में आपको जाना है, हमेशा ESM में नहीं, इसके अंदर से popper.min वाला फाइल लेना है, मैप वाला फाइल लेना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, यहाँ पर आइए नेटबीन्स आईडी में वापस पेस्ट कर दीजिए, सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, tooltip.js में बैक करना है, बैक करिए, tooltip.js में जाइए, डिस्ट में जाइए, UMD में जाना है, फाइल को कॉपी करना है, मिन वाला फाइल, ये वाला फाइल हो गया, मैप वाला कॉपी करिए, नेटबीन्स आईडी में वापस आइए, जेएस वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो है फोल्डर के अंदर फाइल नहीं जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ चुकी हैं। और यहां पर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि नेटबीन्स आईडी यहां पर ये कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि कुछ एरर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसे बने रहने दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो फाइल्स अभी अभी हम लोगों ने सेटअप किया सीएसएस का फाइल और जावास्क्रिप्ट का फाइल, उसे कैसे लिंक करना है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर मैं आपको चीज और बता दूं कि जो भी आप HTML फाइल में अपने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं, उस फाइल के अंदर हमेशा आपको इस वाले मेटा टैग का यूज करना है। ये आप देख लीजिए, अगर आप नेटबीन्स IDE का यूज कर रहे तो उस केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नेटबीन्स IDE खुद ब खुद आपका ये वाला मेटा टैग लिख देगा। लेकिन अगर आप लोग टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस हो गया, तो उस केस में आपको ये चीज हमेशा लिखना है और साथ ही में ये चीज भी आपको हमेशा लिखना है। तो इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।